लॉर्ड कैनिंग, जिनका टेन्योर था फ्रॉम 1856 टू 1862, चलिए जानते हैं इनके टेन्योर में हुए इम्पॉर्टेंट इवेंट्स और इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में। रिवोल्ट ऑफ 1857 इन्हीं के टेन्योर में हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 भी इन्हीं के टेन्योर में पास किया गया, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया गया था एंड सीधा ब्रिटिश क्राउन का रूल लागू हुआ। इसी एक्ट के तहत इन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से वॉइसरॉय ऑफ इंडिया भी बनाया गया। सो लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। IPC and CRPC were also introduced in his tenure, and Indigo Revolt of 1859 भी इन्हीं के tenure में हुआ। ऐसी ही और important information के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।